अभी जैसा समय चल रहा है समय की पुकार क्या है हम सभी को क्या करना है अभी समय चलने का है कि दौड़ने का है या उड़ने का है उड़ने का है ना तो अभी हम सबको उड़ करके जल्दी जल्दी बाप के साथ वापस घर जाना है अभी उसी की तैयारी करने का समय है तो आज विशेष टॉपिक यही रखा गया है ताकि आप इसका सही अभ्यास कर सकें कि कैसे हम अश्री बने क्योंकि बिना अश्लीरी बने हम बाप के साथ जा नहीं सकते हैं विधेयी कैसे बने इन सब में बहुत फ़र्क है आत्मिमान स्थिति अश्री स्थिति और विधेयी स्थिति तो अब जैसे हम अभी क्लास में आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें आपस में क्या फ़र्क है है ना किस तरह से इसमें डिफरेंस है और कैसे हमें स्थिति को प्राप्त करना है जैसा कि आज सुबह भी आपने मुरली में सुना अच्छा इसमें हम सारी बातें आ जाएंगी लगभग इसी क्लास में जैसे काफ़ी सारी बातें आ जाएंगी साकारी आकारी निर्विकारी या हम कहें कि बीज रूप स्थिति फरिश्ता स्थिति बीज रूप स्थिति कैसे बने हैं ना वो हम इस पर भी इस पर या विक्रम विनाश कैसे करें उन बातों को भी हम आज इसमें कवर करेंगे तो आप सभी ध्यान से इस बात को फोकस करके एकाग्र होकर सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा जैसे आज की मुरली हमने सुनी सुबह बाबा ने आज भी कहा कि मीठे बाबा ने बाबा हमें क्या दे रहा है क्योंकि हम माया के साथ युद्ध में हैं माया के साथ हम युद्ध करें रूहानी योद्धे हैं तो हम बाबा के साथ हमारा युद्ध चल हमारी जो माया से युद्ध चल रही है और बाबा हमें क्या दे रहा है ज्ञान के बड़े बड़े क्या दे रहा है गोले दे रहा है ज्ञान का बारूद हमें दे रहा है क्योंकि हमें लड़ना किससे पांच विकार रूपी माया से लड़ना है और ये जो है माया से जो हमारी लड़ाई है ये लड़ाई जो है हमारी निरंतर चलेगी कब तक चलेगी जब तक विनाश हो है ना ये बीच में ऐसा नहीं कि रुक जाएगी फिर ख़त्म हो जाए नहीं चलती रहेगी अंत तक चलती रहेगी और इस इस लड़ाई में है, हमें इस ज्ञान के बारूद को यूज़ करना है जैसे कल की मुरली भी हमने सुनी कल जो बाबा की मुरली जो थी हमने सुनी कि बाबा ने कल कहा ना कि हमें अगर हमें अगर हमें इस ज्ञान खजाने सर खजाने जमा करने तो क्या करना पड़े विधि क्या है उसके लिए उसकी चाबी क्या है निमित्त भाव निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव और उसके नंबर क्या है तीन बिंदी है ना उसके जो चाबी का नंबर क्या है तीन बिंदी तो मैं आत्मा बिंदी मेरा बाप बिंदी और ड्रामा में जो बीत गया वो बिंदी तो अभी हम इस बात को बहुत ही अच्छे से चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम शुरुआत कैसे करें हम सभी को अश्रीरी बनना है हम सभी को विधेयी बनना है हम अश्रीरी बनने के साथ ही बश्री बनने के बाद ही जा सकते हैं या विधेयी बनने के बाद ही हम बाबा के साथ वापस घर जा सकते हैं बिना अश्रीरी बने बिना विधेयी बने हम बाबा के साथ वापस घर नहीं जा सकते हैं उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ हो इसी पर हम आप भी गौर करते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ है बाबा ने हमको जैसे बाबा एक सुप्रीम सर्जन भी है बाबा एक डॉक्टर भी है एक डॉक्टर क्या बाबा बाबा दी डॉक्टर है दी सुप्रीम सर्जन है उससे बड़ा कोई डॉक्टर और उससे बड़ा कोई सर्जन दुनिया में है नहीं वही वैद्यनाथ है वही धनवंतरी है वही हर विश्व का हर डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी दवाई देने से पहले उसको हमेशा याद करता है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए या मेरे पेशेंट ठीक हो जाए तो बाबा हमें ये इस विधि को हम अचीव कर लें या इस लक्ष्य को हम अचीव कर लें अश्री स्थिति को अचीव कर लें तो उसके लिए बाबा ने हमें पहले तो चार गोली और चार परहेज़ हमको देता है ये तभी हम बन सकते हैं अश्री अश्वरी माना ऐसा अब, ऐसा अनुभव हो कि चलते फिरते ऐसा अनुभव हो कि मैं आत्मा अलग हूं देह अलग है मैं आत्मा अलग हूं देह अलग है देह का भान जरा भी मेरे अंदर ना रहे आत्मा अलग महसूस हो और देह अलग महसूस हो मैं आत्मा देह से बिल्कुल अलग हूँ ऐसा ऐसा क्योंकि जब तक अश्लीरी बनकर के बाप को याद नहीं करेंगे तब तक मेरे विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं और जब तक विक्रम विनाश नहीं होंगे तब तक हम घर में वापस जा नहीं सकते हैं तो हमको इस बात का बड़ा क्लियर हमारे मन में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिना विक्रम विनाश के हम बाप के साथ नहीं जा सकेंगे अगर थोड़े विक्रम रह गए तो हमें रास्ते में रुकना पड़ेगा और हमको सजाएँ खानी पड़ेंगी तो हमें जो बाबा ने कुछ हमें नियम दिए हैं कुछ कुछ हमें चार गोली दी हैं और चार परहेज दिए हैं तो पहली गोली कौन सी है जो हमें ध्यान रखनी है और ये चार गोली तभी काम करती हैं जब चार परहेज हमारे ठीक हों अगर चार गोली में से कुछ भी हमारा प्र... अगर ये चार परहेज एक्यूरेट नहीं हमने किए तो गोलियां काम नहीं करती हैं तो सबसे पहला जो मैं परहेज की बात कर लूँ गोली से भी पहले या पहले गोली की बात करूँ हाँ? या पहले परेस क्या क्या कहते हैं आप लोग पहले परेस गोली अच्छा ओके गोली ठीक देखिए ब्राह्मण जो है ना सबसे पहले जो बात है वो सच्चा ब्राह्मण की निशानी है कि सच्चा ब्राह्मण कभी अमृतवेला मिस नहीं करता है सच्चा ब्राह्मण जो आज की मूल्य में भी इस पर एम्फेसिस था कि अमृत वेला सबसे अच्छा समय है याद करने का है हाँ? ना तो पहली पहली गोली जो हर ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण खाता है वो है अमृतवेला पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए तो अमृतवेला जो है वो समय ऐसा समय है जिस समय हम विक्रम विनाश कर सकते हैं बाकी सारा दिन में आप कितनी मर्जी कोशिश करें विक्रम विनाश नहीं होते हैं आप अटेंशन रखें विक्रम ना करें वो हो सकता है किंतु तो जो पिछले तिरसठ जन्म हमने कर्म किए हैं विक्रम माना जो विकारों के वश में हमने जो कर्म किए हैं और कर्म कौन से कहलाते हैं कर्म कौन कौन से हैं मतलब जो भी कर्म इंद्रों के द्वारा कर्म करते हैं वो वो कर्म कहलाते हैं देखना भी कर्म है पढ़ना भी कर्म है सुनना भी कर्म है बोलना भी कर्म है खाना भी कर्म है, है किसी को छूना भी कर्म है बोलना भी कर्म याद रहे है ना अगर मैंने विकारों के वश कुछ भी देखा या कुछ भी पढ़ा कुछ भी सुना कुछ भी बोला कुछ भी खाया किसी को छुआ भी तो वो विकर्म पाप कर्म के खाते में जाता है और जो भी हम करते हैं तैसा अंदर रिकॉर्ड होता गया है आत्मा में एक सॉफ्ट कॉपी और एक ब्रेन में हार्ड कॉपी और जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो साथ साथ वो ये ब्रेन में जो भी डाटा है उसको साथ में लेके जाती है फिर पाँच महीने में गर्म गर्म में आत्मा प्रवेश करती है फिर वो लेकर के उसको वापस उस गर्म में उस बच्चे के मस्तिष्क में वो डाटा डाल देती है फिर पूरा जन्म उसमें रहती है आत्मा फिर जब वहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग होती है जाते जाते सब कुछ निकाल कर ले जाती है डेड बॉडी में कुछ भी रहता नहीं है रहता है डेड बॉडी में डेड बॉडी में ब्रेन तो रहता है किंतु कुछ भी अंदर कुछ डाटा रहता है क्या आप पेन ड्राइव डाल के निकाल लो या कोई मशीन ऐसी हो उससे आप डाउनलोड कर लो ऐसा कुछ भी ब्रेन से हम पता नहीं कर सकते इस आदमी की सोच क्या थी इस आदमी के संस्कार क्या थे मरने के बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है जैसे ही आत्मा श्रे छोड़कर चली जाती है तो ये जो आत्मा है तो पहला जो चीज़ है अमृत वेले के समय अमृत वेले के समय वो समय है जैसे शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी जीरो है ब्रह्मा बाबा की एक है शिव बाबा कोई संकल्प नहीं शिव बाबा सोचता है उसको कभी कोई संकल्प कोई चलता ही नहीं है किंतु तो ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प है पिछले अड़तालीस साल से एक ही संकल्प कौन सा संकल्प है मेरे बच्चे कब तैयार हों संपन्न और संपूर्ण बन जाएं तो हम वापस घर चलें एक ही संकल्प है बाबा को दूसरा कोई संकल्प बाबा को नहीं है तो अगर मेरे पंद्रह संकल्प हैं बीस संकल्प हैं तो क्या मेरा बाबा से कनेक्शन हो सकता है मेरा बाबा से कनेक्शन हो ही नहीं सकता है और जब हम रात में सोकर के उठते हैं रात में जिसे गहरी नींद कहते हैं गहरी नींद का अर्थ क्या होता है डेल्टा स्लीप डेल्टा स्लीप का मतलब क्या होता है कि मेरे संकल्प दो या तीन ही चल रहे होते हैं गहरी नींद में अगर हम अच्छी नींद गहरी गहरी नींद आती है तो तो जब हम सुबह सुबह चार बजे उठते हैं या साढ़े तीन बजे उठते हैं तो उस समय हमारे दो तीन संकल्प ही चल रहे होते हैं डेल्टा स्लीप माना दो या तीन संकल्प तो उस समय दो या तीन संकल्प ही होते हैं जैसे हम गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को तुरंत हमारा गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं तो एकदम हमारा कनेक्शन शिव बाबा से लग जाता है क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी दो है उस समय ऑटोमेटिक है उस टाइम दो से सीधा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन हुआ और ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा से कनेक्शन हुआ और एकदम करंट आनी फ्लो आनी शुरू हो जाती है और हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं और जैसे ही बाबा से आप लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं हम परम धाम में पहुंच जाते हैं बाबा में खो जाते हैं हम परमधाम में पहुंचाते हैं इसको मैं थोड़ा तो सा गहराई से लूँगा कैसे हम परमधाम में जाते हैं और कैसे हम अवस्था का अनुभव करते हैं तो पहला जो गोली है वो अमृत वेला तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रह्मा जो हर ब्राह्मण को करनी होती है वो अमृत वेला कभी मिस ना करें चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो चाहे कहीं भी हो हॉस्पिटल में हो घर में हो कहीं भी किसी भी घर में किसी डेथ हो गई हो कोई पैदा हुआ हो कुछ भी हुआ हो घर में अमृतवेला सच्चा ब्राह्मण कभी मिस नहीं कर सकता पहली गोली से लेनी होती जरूर दूसरी है मुरली है ना सच्चा ब्राह्मण सेंटर पे जाके मुरली सुनता है मोबाइल पे या टीवी पे नहीं सुनता है है ना या घर में आ, क्या बोलते हैं उसको फोटोकॉपी बना करके उसकी मुरली नहीं पड़ता है ना सच्चे ब्राह्मण की मतलब फ़र्ज़ है कि वो सेंटर पर जाके मुरली सुने क्योंकि मुरली वो वातावरण सेंटर पर होता है जो अंदर रिकॉर्ड होती है जैसे कभी भी हमें कोई रिकॉर्डिंग करनी हो स्टूडियो में जाते हैं सड़क पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं बहुत सारी वॉइस की डिस्टर्बेंस हो जाती है ऐसे घर में जब हम मुरली पढ़ते हैं तो बहुत सारा इधर का इधर का वातावरण वायुमंडल जो है हमें वो मुरली हमारे अंदर जाती ही नहीं है तो 45 मिनट एक घंटा जो बाबा के घर में बैठ के मुरली सुनते हैं उस तो हमारे अंदर रिकॉर्ड होती है और फिर हम उस मुरली को फिर तीसरी जो बात है अटेंशन तो पहला है अमृतवेला मुरली तीसरा अटेंशन सारा दिन हम अटेंशन रखें मुरली पर कि मुरली आज बाबा ने क्या कहा जैसे आज बाबा की मुरली सुनी ना आपने तो बाबा क्या करें कि बार बार मुरली के नोट मुरली की सुबह अमृत मुरली सुनने के बाद बार बार दिन में रिवाइज करो पॉइंट्स को रिवाइज़ करो उस पर मनन टेंशन में चार स्टेप आते हैं मनन चिंतन मंथन सिमरन मनन माना रिवाइज़ करो चिंतन माना गहराई में जाओ मुझे ऐसा बनना है और फिर मंथन माना कैसे बनना है फिर बाबा से पूछो मुरली का मुरली को मनन करते करते मगन हो जाओ और फिर बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है और फिर बाबा से हम पूछते हैं बाबा ये मैं मेरी दिनचर्या तो ऐसी है मेरा तो ये प्रोफेशन है मैं कैसे ऐसा बनूं उसे बोलते हैं मंथन मंथन में जो मक्खन निकला जो बाबा से जो पॉइंट निकला उसको हम फिर कार्य में लगाते हैं उसे कहते हैं सिमरन इसे कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ जब मुरली के पॉइंट को हम कार्य में लगाते हैं तो हमारे अंदर रिकॉर्ड होता है खाली मुरली सुनने से रिकॉर्ड नहीं होता है या मुरली के चिंतन कर मनन करने से या चिंतन करने से अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है कार्य रिकॉर्ड होता है और अंदर एक नया संस्कार रिकॉर्ड जब हम अच्छा कर्म उस मुरली के अनुसार करते हैं तो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है नया संस्कार बन जाता है जो कि ब्राह्मणों का संस्कार होता है तो हम सच्चे ब्राह्मण बनते जाते हैं तो तीसरा जो है एक गोली है अटेंशन इसमें मनन चिंतन मंथन सिमरण और चौथा है सोने के पहले वेंटिलेशन वेंटिलेशन का अर्थ क्या है वेंटिलेशन मन अपने सारा दिन में जो भी हमारी दिनचर्या रही है उसमें हमें हम कितना भी अटेंशन रखें तो भी हमें गलतियां हो जाती हैं हमसे जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको गलत कुछ बोले अगर आपको कोई गाली देता है इंसल्ट करता है तो आपको आप मुस्कुराते रहना स्वाभाविक है या गुस्सा आना स्वाभाविक है बताइए क्या क्या स्वाभाविक है हुँ? आपका उदास उस बात को सुनकर दुखी हो जाना स्वाभाविक है या मुस्कुराते रहना स्वाभाविक है अगर आपकी टांग पे चोट लग जाए कहीं चोट लग जाए कोई दर्द हो जाए तो आप मुस्कुराते रह सकते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं क्योंकि हमें संस्कार आदत पड़ गए संस्कार में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है तो बाबा कहते बच्चे आप सोने के पहले अपना पूरा पोता मेल मुझे दो काफी बच्चे बाबा के ऐसे करते हैं जो बैठ जाते हैं उस पर बाबा कमरे में जाके बैठ जाएंगे आपने घर में ही बाबा कमरा होता है या ऐसी एक चित्र लगाया होता है बाबा का और बाबा के सामने जाके बैठ जाते बाबा कहते बाबा मुझसे आज ये गलती हुई बाबा मुझसे एक गलती हुई है ना ऐसे बात करते हैं वो बाबा तक नहीं पहुंच सकती सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है और सूक्ष्म वतन चीज है क्या उस पर हम आते हैं कैसे सूक्ष्म वतन क्या है वो जो सूक्ष्म वतन है वो बाप वो एकदम पवित्र स्थान है एकदम हंड्रेड पवित्र कोई भी अशुद्ध संकल्प वहां पहुंच नहीं सकता है उस पर कोई भी अपवित्र या अशुद्ध संकल्प दुनियावी संकल्प पहुंच नहीं सकता है जो मैं कह रहा हूं मैं बाबा को बोल रहा हूं बाबा मुझसे आज गलती हुई बाबा मैंने उसको आंख दिखाई बाबा मुझे आज गुस्सा आ गया बाबा उसने मुझे इंसल्ट किया तो मेरे को बहुत फील हुआ है ना हम बाबा से ऐसी बातें कर रहे हैं जब हम बाबा से ये बातें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है जब हम बाबा से ये बात कर रहे हैं तो अशुद्ध है कि अशुद्ध है वो बाबा तक नहीं पहुंचती हैं किंतु अगर हम लिखते हैं ना जब लिखते हैं तो बाबा से हमारे जब हम बा, बाबा को लेटर लिखते हैं तो हमारी भावना संकल्प और भावना में क्या फ़र्क है इंटेंस थाट्स बिकम इमोशंस जब हम कोई बात गहराई से सोचते हैं तो भावना में परिवर्तन हो जाता है और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं जो हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं दो बच्च दो एक माँ और एक बच्चा बीस हज़ार किलोमीटर दूर है एक बच्चा अमेरिका बच्चा अमेरिका में माँ दिल्ली में है और माँ जो सोचती है बच्चे को टच होता है बच्चा जो सोचता है माँ को टच होता है क्योंकि बच्चे और माँ के बीच में भावना है ऐसे ही हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमारा ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है शिव बाबा हमारा बाप है तो जो हम गहराई से सोचते हैं वो उसके वाइब्रेशन बाबा तक पहुँच जाते हैं वाइब्रेशन में ना खुशबू जैसे पहुँच जाती है तो जब हम लिखते हैं गहराई सी उसमें उसमें इंटेंसिटी आती है कि बाबा मुझसे आज ना इतने बजे शिव बाबा को हम शिव बाबा को हम दिल में शिव बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं लिखते समय और फिर ब्रह्मा बाबा से कम्बाइंड ब्रह्मा बाबा को सामने रख करके फिर हम लेटर लिखते हैं कि अगर मैं मैंने ऐसा किया अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते क्योंकि मुझे ब्रह्मा के कुल में जाना है मुझे लक्ष्मी नारायण के कुल में जाना है तो मुझे उन जैसा बनना पड़ेगा अगर मैं आप में से कोई भी जैसे जो, जो भी आप कार्य करते हैं अगर आप वो बन करके बाबा को अगर वो बन करके आप लिखना लिखने बैठेंगे तो आपको एक भी गलती नजर नहीं आएगी आपके अपने अंदर कोई एक भी गलती आपको नजर नहीं आएगी आप जो भी प्रोफेशन में हैं जो भी काम करते हैं ऑफिसर हैं घर में माँ हैं पति हैं या पत्नी हैं जो भी आप कार्य करते हैं देखा नहीं मैं तो मुझे करना ही था अगर मैं आंखना दिखाता आंखना दिखाते तो बच्चे बिगड़ जाते मेरे नौकर काम नहीं करते तो आपको एक भी गलती नज़र आती तो अगर शिव बाबा कम्बाइंड होकर के ब्रह्मा बाबा से तो आपको गलती नज़र आएंगी तो ये सच्चाई से लेटर लिखना बाबा को अपना पोता मिल देना कहाँ कहाँ मुझसे मर्यादा भंग हुई ब्राह्मणों की मर्यादा कहाँ कहाँ भंग हुई या देवताओं जैसी हमने कर्म कहाँ नहीं किए तो लिखो लिखेंगे फिर साइन करके बाबा को दो बाबा का एक फैक्स नंबर है हॉटलाइन फैक्स है ट्रिपल जीरो मैं आत्मा जीरो मेरा बाप ज़ीरो आज सारे दिन में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो लेटर बाबा के पास पहुंच गया तो ये है ट्रिपल जीरो याद इससे फोन भी कर सकते हैं कभी बाबा को फोन करना हो ना ये भी हॉटलाइन फोन नंबर है कभी भी आज से बात कर सकते हैं फिर इसके बाद जो है लेटर लिखा फिर घंटे घंटे याद का चार्ट रखो हर घंटे में कितने मिनट याद रही ऐसे तो हमारी श्वासों श्वास याद होनी चाहिए क्योंकि बाबा जो राजो का मेडिटेशन है राजोग का मेडिटेशन की परिभाषा क्या है राजो का मेडिटेशन माना इंग्लिश में कहूं तो बीइंग द ट्रूथ लिविंग द ट्रूथ रियलाइजिंग द ट्रूथ। सत्य बनना ही राजयोग मेडिटेशन है शिव बाबा सत्य है ना तो मुझे मुझे सत्य बनना है सत्य रहना ही राजयोग मेडिटेशन है सत्य का अनुभव करना ही राजयोग मेडिटेशन सत्य क्या है सत्य सदा एटर्नल होता है कभी खत्म नहीं होता है और सत्य कभी भी मरता नहीं है कभी परिवर्तन नहीं होता सत्य अविनाशी है दूसरा सत्य कभी बदलता नहीं है तो एक तो परमात्मा सत्य है दूसरा आत्मा भी सत्य है तीसरा आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है और चौथा सृष्टि रूपी ड्रामा ये भी सत्य है अविनाशी ड्रामा है बना बनाया ड्रामा है बेहद का ड्रामा है जो बदल नहीं सकता है वो वो रिपीट होता है शिष्टिर इस रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और इस शिव बाबा इस ड्रामा का शिष्ट रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है डायरेक्टर भी है और क्या है सुप्रीम जस्टिस भी है और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है बुरा नहीं हुआ है हम क्या समझते हैं हमारे जो नब्बे परसेंट विचार हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं पास्ट से आते हैं जो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स हैं पास्ट में जो हमें हमारे साथ जो लोगों ने किसी ने भी किसी ने भी हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया है हमें हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है हमारे मन को चोट पहुंची है वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भरी रहती हैं और 90 परसेंट विचार वहीं से चाहते रहते हैं वो बातें हमको बार 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 आके कॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करती अगर मैं कहूँ आज जो कहा जाता है आप सभी जानते भी हैं लगभग कोई भी व्यक्ति आज तीस विचार एक मिनट में करता है उसमें से तीस में से नब्बे परसेंट विचार हमारे सबकॉन्शियस पास से आ रहे होते हैं सत्ताईस विचार हमारे पास से आ रहे हैं वर्तमान से कितने आ रहे हैं सिर्फ तीन विचार आ रहे हैं तो ये जो ड्रामा का ज्ञान है या इसको मैं कहता हूं ए बी सी डी ए फॉर आत्मा बी फॉर बाबा सी फॉर कनेक्शन वाला संबंध डी फॉर ड्रामा जो बाबा ने कल तीन बिंदी की बात की या दूसरे रूप में ए बी सी डी कहें मैं आत्मा बिंदी मेरा बाप बिंदी और संबंध बिंदी के सब संबंध बिंदी बाप के साथ हैं और डी फॉर ड्रामा जो बीत गया वो ड्रामा तो ये जो हमें समझ में आ जाए आ जाता है ज्ञान से तो हमारे सत्ताईस संकल्प आने बंद हो जाते सिर्फ तीन ही संकल्प रह जाते हैं तीस संकल्प को अशांति कहते हैं और तीन को शांति कहते हैं ये फर्क है अशांति और शांति में शांति में ना हम सिर्फ वर्तमान में रहते हैं तो ये जब हम घंटे घंटे ये अभ्यास करते रहे कि कितने मिनट में इसके इसमें इस सत्य में रहा इस सत्य को अनुभव करता रहा इस सत्य की मुझे फीलिंग होती रही मैं आत्मा हूँ ये सामने वाले भी आत्मा है मेरे घर में भी जो मेरे माता पिता भाई बहन पति पत्नी या बच्चे वो भी आत्मा है नौकर भी आत्मा है तो ये जब फीलिंग हमारी रहे और फिर एक एक संबंध की अनुभूति बाप से होती रहे और ड्रामा में जो भी हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है बहुत अच्छा जो होने वाला सबसे अच्छा है ये अगर अनुभूति होती रहे तो ही मैं क्या कर सकता हूँ तो ही मतलब मेरे जो है ये इसका चार्ट हमें सारा दिन मेंटेन करना चाहिए हर घंटे में एक मिनट एक घंटे में कितना मिनट आई और उसके बाद जो है चार्ट उसके बाद मुरली को अगर चाहे हमने जैसे मुरली नॉर्मली हम क्या करते हैं या तो पूरी मुरली हमारे पास होती है अगर आपके पास पूरी मुरली नहीं होती है तो एक ए फोर साइज़ का वन फोर्थ साइज़ है ना ए पेपर होता है ना जो ए फोर पेपर जैसे ये ए फोर्थ ए तो पूरा पेपर ए फोर का वन फोर्थ इतना होता है इतने पेज पर मीठे बच्चे प्रश्न का मेन पॉइंट आज का गीत मुरली पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट किए धारणा के लिए मुख्य सार वरदान स्लोगन तो सोने के पहले इतना चौथाई पेज पढ़ लेना चाहिए उससे हमारा मन प्लेन हो जाता है सबसे सब बड़ी समस्या है कि लोग अमृतवेले में सोते रहते हैं सबसे ज़्यादा समस्या अमृतवेले में सोते हैं और अमृतवेला समय ही सबसे ब्राह्मणों का सबसे कीमती समय अमृतवेला है आके बैठते हैं घर में भी बैठते हैं क्योंकि तो सो जाते हैं और अमृत वेला करने का जो महत्व तभी है जब 20 मिनट कम से कम आनंद की स्थिति का अनुभव हो आनंद माना ऐसी स्थिति जिसमें आत्मा बाबा से कंबाइंड हो जाए आत्मा जरा भी उसको देह के भान की जरा फीलिंग ना आए दुनिया की जरा भी फीलिंग ना आए देह का भान और देह की दुनिया बिल्कुल भूली हुई हो आत्मा परमात्मा के लव में खो जाए लवलीन हो जाए कम से कम बीस मिनट हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए अगर 20 मिनट हमारी स्थिति ऐसी हो तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है हमारे हार्मोन्स का हाइपोथैलेमस में पिचुटरी में पीनियल में तो अगर ये 20 मिनट आनंद की स्थिति अनुभव हो जाए साइंस ने बताया है तो हमारे जितने भी हारमोन्स हैं वो सारे बैलेंस में निकल आते हैं और अगले चौबीस घंटे में आपकी मन की बीमारी कोई भी हो डिप्रेशन हो नींद ना आती हो चिंता बहुत रहती हो डर लगता हो फोबिया हो या आपको कोई भी बीमारी हो ब्लड प्रेशर हो डायबिटीज़ हो हार्ट की बीमारी हो कैंसर हो एसिडिटी हो दमा हो हड्डियों की तकलीफें हो पेट की बीमारी हो कोई बीमारी भी हो वो कम हो जाए काफी हम कहते हैं काफी काफी ब्राह्मण कहते हैं हम अमृत वेला रोज करते हैं हम कभी मिस नहीं करते हैं क्योंकि तो किस क्वालिटी का अमृत वेला हम करते हैं खाली 45 मिनट उठ के बैठने को अमृत वेला नहीं कहते हैं अगर अमृत वेला है तो अमृत वेला माना कम से कम 20 मिनट आपको सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ का अनुभव होना चाहिए बाबा के लव में लीन होने का अनुभव होना चाहिए और उस बीस मिनट से पांच मिनट कम से कम परमधाम की बीज रूप स्थिति का अनुभव होना चाहिए तब हमारे विक्रम विनाश हो तब उसका असर हमारे सारे दिन हमारी दिनचर्या दिनचिर पड़े तो मैंने बताया सुबह चार गोली जो कहकर बताई एक अमृत वेला पावरफुल ये वाला दूसरा मुरली तीसरा दिन सारा दिन मुरली पर टेंशन मतलब मनन चिंतन मंथन सिमरण और सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को खाली बात नहीं करनी है लेटर लिखो फिर चार्ट भरो फिर मुरली पढ़ो और फिर दो मिनट बाबा को याद करके सोचो अगर ये चार बात हम करते हैं क्योंकि क्या देखा गया जब भी हमको गलती करते दिन में कोई भी हम हमें मर्यादा भंग होती है या कोई भी हम कोई हमें किसी भी विकार को सूक्ष्म भी टच कर लेते हैं अंश या वंश को भी टच कर लेते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है एकदम छः सात से एकदम पंद्रह बीस हो जाती है पच्चीस हो जाती है तीस पैंतीस हो जाती है और नींद कहते हैं पाँच से कम फ्रीक्वेंसी को चार से कम फ्रीक्वेंसी को अगर मैं पैंतीस पे सोने जाऊं तो मेरी ग्यारह बजे जा मेरी फ्रीक्वेंसी बीस होगी बारह बजे मेरी फ्रीक्वेंसी दस होगी और एक बजे जाके मेरी फ्रीक्वेंसी चार से कम होगी एक्चुअली मुझे एक बजे जाके नींद आएगी और फिर मुझे साढ़े उठना है तो अगर मुझे साढ़े उठना है तो फिर मेरी क्या स्थिति होगी नींद आएगी ना कम से कम पाँच छः घंटा चार घंटा तो नींद चाहिए ना तो अमृतला नींद में बीतेगा अगर आप चाहते हैं आपकी एक्यूरेट नींद आपको आए दस साढ़े नौ पौने दस सो जाए तो पौने दस से पहले काम कर लें और पौने दस आप सो जाएँ फिर आप लेटते ही आपको आप ये कार्य करेंगे ना हम लेटर लिखेंगे चार्ट भरेंगे मुरली पढ़ेंगे और बाबा को दो मिनट याद करके सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उतनी देर में ही आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी उतनी देर में ही आपकी अवस्था एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी आप फ्रीक्वेंसी आपकी चार पहुंच जाएगी और बिस्तर पे लेटते ही आप गहरी डेल्टा स्लीप में चले जाएंगे और अपने आप को टाइम कर दीजिए टाइम करते ही आप देखेंगे कि मुझे साढ़े तीन उठना है आपकी तीन बजकर उनतीस मिनट में अपने आप आँख खुल जाएगी ये मेरा अपने सालों का तजुर्बा है मैंने कभी अलार्म से अलार्म से नहीं उठाऊँ कभी गीत से नहीं उठाऊँ ऐसे ही अपने आप ही आँख खुलती है तो आप ये आप करके देखिए तो दो चीज़ में दो चीज़ हमेशा अपने जेब में रखनी चाहिए अच्छे सच्चे ब्राह्मण को मुरली और चाट है ना मुरली और चाट जेब में रखते हैं तो मैंने देखा है, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है मुरली आप जब भी आपको टाइम मिले मुरली तो बाबा का लबरेटर है ना उसको आप जब मर्जी जेब से निकाल के एक पॉइंट पढ़ लीजिए उसी का मनन चिंतन मंथन सेमन करते रहिए और चार्ट जेब में रहता तो उससे अटेंशन रहती कि मुझे भरना है रात को मुझे भरना है सोने से पहले है ना तो ये दो चीज़ आप करिए तो ये चार गोली इसके लिए पवित्रता बहुत अच्छी चाहिए पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा सब इसको मैं गहराई से लूँगा बाद में पवित्रता शुद्ध सात्विक भोजन दूसरा परहेज शुद्ध शुद्ध अगर मैं चाह शुद्ध सात्विक भोजन ना ऐसा भोजन जो बाबा की याद में बनाए और सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो आत्मा के सात गुणों को बढ़ाने वाला हो तो ऐसा भोजन अगर मैं खाता हूँ तो मेरा योग लगता है अगर मैं रास्किक भोजन खाता हूँ पराठा पकौड़ा समोसा खाता हूँ मिठाइयाँ खाता हूँ तो ये रास्क भोजन है आलस पैदा, पैदा करता है अलबेला पैदा करता है ऐसे भोजन खाने से फिर हमारी कभी भी स्थिति नहीं बन सकती है हम राजयोग का अनुभव कर सकें हम स्थिति हमारी बनेगी नहीं ये ध्यान रहे मैं मेरा करेक्शन लगेगा नहीं आलस आएगा योग में फिर तामसिक भोजन क्या है अचार खाना लहसुन प्याज तो आप सभी जानते ही हैं अचार भी एक तामसिक भोजन उत्तेजना पैदा करता है बहुत चाय कॉफी जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कैफीन होती है बहुत लाल मिर्च खाते हैं उनको भी नुकसान करता है गर्म मसाले बहुत खाते हैं उनको भी नुकसान होता है तो ऐसा जो भोजन खाते हैं ये ये तामसिक भोजन के अलावा उत्तेजना पैदा करता है अपने आप ही चिड़चिड़ापन आएगा अपने आप ही जन जलन होएगी इरिटेशन होएगी आपके अंदर शांति खत्म हो जाएगी बेचैनी हो जाएगी आप चाह के भी योग लगा नहीं सकेंगे तो शुद्ध सात्विक भोजन जैसा अन्न वैसा मन तीसरा सत्संग जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना तो इस दो ही चीज़ सत्य है बाबा और मुरली सत्य है बाकी सब कुछ असत्य है, है तो एक बाबा मुरली का संग बाकी किसी चीज़ का संग मत करो ये जो आजकल टीवी देखते हैं अखबार पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे रहते हैं फेसबुक पे रहते हैं ये सब माया का संग है अगर हम चाहते हैं इससे बचना सचमुच बाबा से हमारा का, काफ़ी भाई बहन ये कहते हैं हमारा अमृत अमृतविला अच्छा नहीं होता पावरफुल नहीं होता हमें करंट नहीं आती है हमारा परिवर्तन ही नहीं होता है है ना अपनी आज भी हमारी आते हमारे कंट्रोल में नहीं आई हैं है, है ना तो वो क्यों नहीं हो रहा है इसके पीछे ये इसका कारण है संग इससे बचना चाहिए ठीक है बाबा और बाबा की मुरली बस और हमें दुनिया की न्यूज़ से कुछ मतलब नहीं है सच्चे ब्राह्मण को दुनिया की न्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता है मुझे याद आता है जब एक बार 2008 की बात है इकतीस इकतीस बारह दो आट, दादी जानकी जी एक बार हम भाइयों से मिल रही थी कुछ पंद्रह पंद्रह सोलह भाई भाई थे मुरली के बाद दादी पहले मिला करती थी बाबा के दिन सुबह मिला करती थी मुरली के इमीजिएटली बाद कुछ भाइयों से मिलती थी पंद्रह सोलह सीनियर भाइयों से मिलती थी डायमंड हॉल के पीछे वाले ही कमरे में विजिटिंग रूम में तो दादी ने ऐसे पूछा हम सबसे कि आप में से अखबार कौन कौन पढ़ता है तो हम सब ने हाथ उठाया तो दादी ने कहा दादी ने आज तक अखबार नहीं पढ़ा है तो दादी ने का अखबार में क्या पढ़ते हो आपका क्या फ़ायदा होता है अखबार पढ़ने से हमने कहा दादी कुछ फ़ायदा नहीं होता हमारा आधा घंटा ख़राब होता है तो दादीनी का श्वास स्वांस बाबा को याद में रहना है एक एक सेकेंड ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंट है और आप आधा घंटा ख़राब कर लेते हो तो आज से अखबार कौन कौन छोड़ेगा तो मैंने उस दिन से मुझे याद है एक जनवरी 2009 से अखबार नहीं पढ़ा और पिछले कितने साल हो गए नौ साल होने वाले वाल ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सचमुच भी संघ ब्राह्मण हम चाहते हैं दोनों दोनों नावों में पैर रख रखना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो हमें ध्यान रखना चाहिए तो और दैवी गुणों की धारणा मैं इस दैवी गुणों की धारणा में ये बात कहना चाहूँगा अगर हम गुस्सा करते हैं तीन दिन उसका असर हमारे ऊपर रहता है ना मुरली अंदर की रिकॉर्ड होती है ना हमारा योग लगता है एक बार मूड ऑफ करते हैं पाँच दिन तक हमारा मूड ऑफ रहता है हमारी हमारी धारणा नहीं ठीक से होती है एक बार जल्दी प्रेशर टाइम प्रेशर में आता है अठारह घंटा हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती है क्योंकि तो खुशी जो होती है अगर आप खुश अगर आप अटेंशन रखे खुश रहते हैं बाबा की याद से या और कोई बात से बाबा के साथ के अनुभव से संबंध के अनुभव से तो सिर्फ उसका असर दो मिनट रहता है कितने मिनट रहता है दो मिनट रहता है तो बाबा की याद का निरंतर अनुभव चाहिए गुस्सा करना नेचुरल है हमको पच्चीस सौ साल की आदत है संस्कार है बिना चाहे आ जाता है चिंता बिना चाहे आती है उदासी बिना चाहे आती है अगर बाबा याद रहे बाबा की मुरली याद रहे ए बी सी डी पे टेंशन रहे तो हम तब भी हमारी खुशी रह सकती है मैंने कहा बीइंग द ट्रूथ लिविंग द ट्रूथ इसका लगातार अनुभव चाहिए तो मेरी चार परहेज और चार गोली अब इसका हम चलते हैं देहमान स्थिति कैसे देह मानी स्थिति क्या है देह में रहते अगर हम इसका मनन चिंतन मंथन करते हैं मुरली का या हम कहें ए बी सी डी का चलते फिरते उठते बैठते श्वास स्वांस, इसमें कोई हमको मुद्रा की आवश्यकता नहीं है कोई हमको सांस लेने की आवश्यकता नहीं है कोई हमको पोज की आवश्यकता नहीं है आप सिंपल हर समय अभ्यास रखें बल्कि कई बहन कई भाई बहन मैंने हैं बहुत ये लगा के बैठते हैं मुद्रा लगा के बैठते हैं योग करते समय मुरली समय से सुनते समय भी योग लग, ऐसे मुद्रा लगा के बैठते हैं जो गलत है अगर मुझे मुद्रा लगा के बैठ योग करके बैठने आदत पड़ गई मेरे को मुरली समय सुनते समय मैं, मैं ऐसे कह के बैठता हूँ तो मेरे को हर समय फिर यही पोजिशन में योग लगेगा अगर मैं नॉर्मल काम करूँगा तो मुझे योग नहीं लगेगा इसलिए हमारी अटेंशन इतनी नेचुरल होनी चाहिए हर समय चलते फिरते अभ्यास होना चाहिए कि हमारा हर समय अटेंशन बना रहे उसके लिए कोई मेरी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा हूँ तो ऐसा करें ऐसा मुझे योग लगे तो जब हमारी ऐसी जब अभ्यास करेंगे तो जितना हम इस ए बी सी डी का मनन चिंतन ये जो हम लोग बाबा की मुरली का ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करें तो ये इसको बोलते हैं देयमान स्थिति और जितना जितना इसका अभ्यास करते जाते हैं देयमान स्थिति का उतना उतना हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाती है पवित्रता क्या है पवित्रता माना आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर के आत्मा हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सत्य बाप से कंबाइंड होकर के जब हम दूसरों के सत्य स्वरूप को देखें और सत्य स्वरूप में व्यवहार करें सत्य स्वरूप को देखना माना अगर मैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ के देखूं किसी को भी अपने घर में देखूं या अपने सेंटर में देखूं तो मुझे सामने वाले या तो बड़े दिखाई देंगे छोटे दिखाई देंगे या साथी दिखाई देंगे घर में देखूं तो मुझे क्या होगा घर में पति दिखाई देगा पत्नी दिखाई देगी बच्चे दिखाई देंगे किंतु तो मैं बाप से कम्बाइंड होकर देखूंगा तो मुझे वो आत्मा दिखाई देंगे क्योंकि मेरी मुझे आत्मा के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको मैं वो मुझे नज़र आए उस भाव में क्योंकि तिरसा जन्मों का असर मेरे ऊपर है अभी मेरे सारे विक्रम विनाश नहीं हुए हैं मैं विक्रमातीत नहीं बना बनाऊँ कर्मातीत नहीं बना बनाऊँ कर्मातीत बनने के बाद ऐसी स्थिति होगी कि सब आत्मा ही दिखाई देंगे सत्य स्वरूप ही नजर आएगा और सत्य स्वरूप में व्यवहार होगा किंतु तो अभी पुरुषार्थ के समय मुझे चलते फिरते उठते बैठते बाप से कम्बाइंड रहना है अगर मैं बाप से कम्बाइंड होकर सबको देखूँ तो मुझे वो बेटा नज़र नहीं आएगा बेटी नज़र नहीं आएगी पति नज़र नहीं आएगा पति नज़र नहीं आएगी सेंटर की बड़ी बहन है छोटी बहन नजर नहीं आएगी मुझे आत्मा दिखाई देगी और जब वो आत्मा दिखाई देगी तो मैं आत्मिक व्यवहार उससे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी और पवित्रता की एक डेफिनेशन ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जरा भी किसी से लगाव है मैं उसके साथ ही बात करूं उसी के साथ खाना खाऊं उसी से मैं व्यवहार करूं उसी को मैं साथ में बैठाऊं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत उनके अंदर बहुत गुण हैं उनके अंदर बहुत विशेषताएं हैं ये भी अपवित्रता है बाबा की एक मुरली में था अगर किसी से लगाव है तो जरूर उस आत्मा को धर्मराज में की सभा में जाके सलाम भरना पड़ेगा वो सीधा नहीं जा सकता है पास भी दौनर नहीं हो सकता है मेरा सारा लगाव बाबा के साथ होना चाहिए किसी भी देधारी से नहीं होना चाहिए इसको बोलते हैं संपूर्ण पवित्रता है किसी से लगाव होना किसी की तरफ झुकाव होना झुकाव मान लगाव झुकाव में क्या रखे झुकाव में मेरा उससे संबंध नहीं है कि तो उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है वो कोई दूसरा भी उसकी बात करे तो हमें उसकी तरफ हमारा कान जाता है ये क्या बोल रहे हैं उसके बारे में उस तरफ बुद्धि जाती है तो वो भी नहीं होना चाहिए प्रभाव किसी के प्रभाव में आना भी बुरी बात है वो भी अपवित्रता है हमें सबको रिगार्ड देना है कि तो प्रभाव सिर्फ एक शिव बाबा होना चाहिए हमारे सिर्फ बाप दादा का होना चाहिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का होना चाहिए किसी भी लौकिक चाहौकिक देहधारी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए हम कहने में क्या बोलते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई या मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा वो तीसरा ना कोई ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं बोलते ना तो सचमुच में मेरी सच जो पवित्रता की डिग्री जो ब्राह्मणों के अंदर है वो लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव भी किसी से नहीं होना चाहिए सारे विश्व में किसी एक व्यक्ति से मेरा टकराव है तो मैं पवित्र नहीं हूं क्योंकि ड्रामा के अंदर हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है जो हुआ अच्छा हुआ किसी ने मुझे इंसल्ट की क्यों इंसल्ट की मेरी क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसकी इंसल्ट की थी अब वो ब्याज के साथ वापस मेरी इंसल्ट कर रहा है और मुझे उसे सहन करना होगा नहीं करूंगा नहीं करूंगी तो क्या होगा उस पर पे डबल पेनल्टी लग जाएगी क्योंकि मेरे अपना किया हुआ कर्म है बाबा ने किया है मुरली में कहा था कोई अगर आपको मारता है कोई पुरुष आप स्त्री को मारता है क्यों मारता है पिछले जन्म में उस स्त्री ने उसको मारा हुआ है तो ये बहुत समझने की बात गहराई समझने की बात है कि और साथ साथ ड्रामा में कोई कुछ भी कर रहा है चल हमारे सेंटर में या बाहर वो ड्रामा के अंदर एक्यूरेट कर रहा है उस पर क्या क्यों कैसे करना भी है पवित्रता है और साथ साथ बाबा कहते हैं ना पवित्रता की डेफिनेशन में आता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी ब्रह्मचारी और फिर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी ब्रह्माचारी मतलब जब से ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वैसा ही हमको करना चाहिए हर कर्म चाहे सोच भी हमारी ब्रह्मा बाबा जैसी हो बोल भी हमारे ब्रह्मा बाबा जैसे हों कर्म भी ब्रह्मा बाबा जैसे हो संबंध संपर्क भी ब्रह्मा बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ भी कैसे रहते थे वो हमारा संबंध संपर्क होना चाहिए ऐसा हमारा संबंध संपर्क आपस में होना चाहिए तो ऐसी स्थिति ये है संपूर्ण पवित्रता और जैसी ऐसी पवित्रता हमारे अंदर ये आएगी किससे जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन से करते जाएंगे और चार परहेज और चार गोली एक्यूरेट रोज खाएंगे तो और जितना हमारी तो दूसरी पवित्रता आएगी और पवित्रता से फिर शांति आती है शांति क्या आती है शांति माना जैसे शिव बाबा को अगर हम कंपेयर करें शिव बाबा ना कभी पास के चिंतन करते हैं ना भविष्य का चिंता करते हैं ऐसा सोचता है शिव बाबा वर्तमान में भी बाबा को संकल्प नहीं चलता है ड्रामा में जो कुछ होना होता है बाबा को टच होता है वही संकल्प बाबा को आता है बाबा के तहत मुरली भी मैंने जो 20 साल पहले सुनाई 40 साल पहले सुनाई 50 साल पहले सुनाई वो आज मुरली अलग सुना रहा है पचास साल पहले अलग मुरली सुनाई थी आज जो पॉइंट बताया वो पचास साल पहले नहीं सुनाया क्योंकि ड्रामा में नहीं था तो बाबा को कभी संकल्प भी नहीं आता इस बात का कि क्या सुनाना है जो संकल्प पहले सुनाया कल्प पहले वो ही आज सुना देता है तो ऐसी स्थिति मेरा बाप सोचता है और मैं क्या करता हूं सारा दिन पास्ट और भविष्य की सोचता रहता हूं वर्तमान में सोचता रहता हूं तो शांति क्या है ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता वर्तमान में बाबा के साथ कम्बाइंड होकर सोचना देखना पढ़ना सुनना बोलना खाना सैर करना कुछ भी किसी से मिलना जुलना बाबा से कम्बाइंड होकर अकेले मिलेंगे जुलेंगे तो शांति खत्म हो जाएगी फिर पास्ट याद आएगा भविष्य याद आएगा वर्तमान से टूट जाएंगे तो ये है हमारी शांति तो जैसे जैसे हमारे अंदर पवित्रता आती जा रही है शांति आती जा रही है हम वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहना टिकने लगते हैं तो ये आत्म मान्य स्थिति पैदा हो रही है देयी मान्य स्थिति में हम सिर्फ ए बी सी डी का ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सेमन करते रहते हैं जितना हम देमान्य स्थिति का प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना हमारी आत्म मान्य स्थिति आने लगती है मतलब अब हम अपने को आत्मा देखने लगते हैं दूसरों हमें आत्मा दिखाई देने लगती है आत्मिक रूप में धीरे धीरे हमारा व्यवहार बढ़ने लगता है हम पास से और भविष्य से कटने लगते हैं वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहने लगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है उसके बाद ऐसा जब शांति आ जाती है जब पास्ट का चिंतन भविष्य का चिंतन खत्म हो जाता है बाबा से वर्तमान में कंबाइंड रहने लगते हैं तो हमारे अंदर रूहानी प्यार पैदा होता है रूहानी प्यार क्या है रूहानी प्यार वो स्थिति है जिसमें आप क्या करते हैं विश्व में जो भी है आपके आप कार्य व्यवहार में आत्माएँ आपके सेंटर में भाई बहने हैं और या आपके घर में हैं आपके परिवार वाले हैं लौकिक वाले हैं ये जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर जो जैसा भी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना आदर के साथ स्वीकार करना मैं इंग्लिश में कहूँ तो उसे कहते हैं अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स सारे विश्व में हर आत्मा को बिना शर्त के आदर के साथ उसके हर रोल के साथ स्वीकार करना और फिर उसकी ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अंदर रह के पालना करना हमारा जो बाबा है शिव बाबा है इस दुनिया में अच्छे बाबा के बच्चे भी हैं बीके भी हैं बीके में भी वैरायटी बीके के हैं और फिर नॉन बीके में भी बहुत सारे तरह के लोग हैं आतंकवादी भी हैं डे डाकू भी हैं चोर भी हैं स्मगलर्स भी हैं उसमें भी अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बाबा के बच्चे भी वैरायटी वैरायटी हैं पर बाबा सबको बिना शर्त के आदर से स्वीकार करता है चाहे कोई कैसा भी आतंकवाद भी बाबा पहले करने से पहले अपना मिशन पूरा करने से पहले क्या करता है बाबा के पास जाता है चाहे वो अल्लाह का हो चाहे गॉड का हो चाहे भगवान का हो किसी के नाम पास जाता है और उसको कहता है आज मेरा मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए और उसको लगता है कि मेरा हाँ भगवान मुझसे खुश है अल्लाह मुझसे खुश है किंतु तो परमात्मा को ये बात वो उसको भी स्वीकार करता है बड़े दिल से जाता है उसके पास सच्ची दिल से उसको याद करता है और किंतु तो भगवान क्या करता है उसको उसको कुछ कहता नहीं है उसको पूरा हंड्रेड परसेंट एक्सेप्ट करता है उसको ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान मेरा है और फिर उसको क्या करता है किंतु तो वो क्यों करता है क्योंकि उसको पता इसका हर कर्म का फल उसको मिलने वाला है जैसा कर्म वैसा फल नहीं करते हैं तो ईश्वरी नियम मर्यादाओं के अनुसार उसकी पालना करता है ऐसा ही मुझे मेरे साथ होना चाहिए कि हर आत्मा का जो भी जैसा कर्म करे उसका फल मिलेगा तो इसको हम कहेंगे रूहानी प्यार हम बच्चे क्या करते हैं बाबा के बच्चे जजमेंटल हो जाते हैं यह तो बदल नहीं सकता यह तो है ही ऐसा इसको तो मैं 20 साल से देखा ऐसा ही है ऐसा ही करेंगे ये तो ऐसा ही करने वाली है यह तो बदलने वाला ही नहीं है अगर सारे विश्व में एक व्यक्ति से भी आपका ऐसा कुछ है तो बाबा हमको स्वीकार नहीं कर सकता हम बाबा से अतन्द्र सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हम बाबा, सकते हैं। हम बाबा की गोद की अनुभूति नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाबा जो है ये हम सब बाबा के बच्चे हैं जैसे भी हैं जो भी हैं जैसे भी हैं और मैं दो बच्चों की ग्लानी करके बाबा की गोद में जाकर चिपक जाऊं ये पॉसिबल नहीं बाबा मुझे अपनी गोद में चिपका ले पॉसिबल नहीं हम भले विजुलाइज कर लें मैं बाबा की गोद में गया किंतु तो बाबा की गोद में नहीं गया बाबा जबरदस्ती जाके चिपक जाओ वो अलग बात है पर बाबा मुझे प्यार करे वो नहीं होगा आपको फीलिंग नहीं आएगी बाबा ने मुझे प्यार किया अंदर से सुपर सुपरसेंसर जॉय नहीं आएगा आपको क्योंकि अगर आपको एक मिनट भी इतनी दिन सुख की अनुभूति हो जाए ना आप बाबा को छोड़ोगे नहीं उसके लिए फिर सबको छोड़ दोगे दुनिया दुनिया छोड़ देता है आदमी एक मिनट आनंद की अनुभूति हो जाए रियल आनंद जिसे कहते हैं तो बाप उसकी और कुछ इच्छा की इच्छा नहीं रहती उसको तो जब ऐसी जब आपके अंदर ऐसा सबके प्रति एक्सेप्टेंस आ रही है इसका मतलब अब आपकी स्थिति आत्मान स्थिति बनती जा रही है यह आतेमान स्थिति की निशानी और जब ऐसा हम सबको स्वीकार कर लेते सारे विश्व में कोई आदमी ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सारे विश्व में जिससे आपका टकराव है आप सबको स्वीकार करते हो अगर आपके सेंटर पे आतंकवादी भी आ जाए आपके घर में आतंकवादी भी आ जाए तो क्या होना चाहिए हम बाबा के बच्चे हैं है ना? डाकू भी आ जाए अगर हमारा भाव उसके तो पॉजिटिव है मैं तो सुना है मैंने पंजाब के बारे सुना है सेंटर पे बहनें कैसे आतंकवादी आतंकवाद के समय पंजाब की बहन कैसे टैकल करती थी उनको बकायदा चा, चाय पानी पीते थे बैठ के और चुपचाप चले जाते थे फिर बाद में कुछ भी बिना कहे आते थे टैग करने के लिए किंतु तो बाद में ऐसे चले जाते थे दादी चंद्रमणि से कई बार हमने बातें सुनी उस समय की बातें और भी और भी बहनों से बातें सुनी पंजाब की तो हमारी भावना क्या हो उनके पर वो भी तो आत्मा है ना तो वो वाली भावना हम उसको स्वीकार करते हैं तो वो हमारे हमको हमको नुकसान नहीं कर सकते तो ऐसी जब हमारे सबके प्रति एक्सेप्टेंस रहेगी तो फिर हमारे अंदर वो रूहानी प्यार की फीलिंग आएगी और जब ऐसी रूहानी प्यार की फीलिंग आएगी तो जब आप सबको स्वीकार कर लेंगे तो बाबा के आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप बाबा के पास पहुंच गए अच्छी सूक्ष्म वतन क्या है सूक्ष्म शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर जो है कुछ और नहीं है जो हमारा आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियाँ बुद्धि मन और संस्कार यही हमारा सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर की शेप यही है जैसे बॉडी की शेप है जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक प्लेट में दूध ले लो और एक सूखी ब्रेड डाल दो प्लेट के अंदर तो सारा दूध ब्रेड के अंदर चला जाता है अब दूध की शेप क्या है जो ब्रेड की शेप है तो मन हमारे सारे शरीर में फैला हुआ है ऐसा ही जैसे ब्रेड के अंदर दूध चला गया है ऐसे ही सारी सारी बॉडी में एक एक रोम रोम में मन समाया हुआ है विचार भावनाएं वृत्ति और स्मृति समाई हुई है स्मृति यहां पर है वृत्ति भावना और संकल्प सारे बॉडी में समय है इसलिए कहीं भी कुछ हो जाता है थोड़ा सा भी तो उसके बारे संकल्प चलते हैं उसके बारे भावना पैदा होती है उसके बारे वृत्ति पैदा चेंज हो जाती है उस हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारा हार्ट भी है आर्टरीज़ भी हैं लीवर भी है पेट भी है आते भी हैं फेफड़े भी हैं आंखें भी हैं नाक भी कहाँ सब कुछ है उंगली भी हैं नाखून भी हैं सब कुछ ऐसा कैसा है तो वो सूक्ष्म शरीर है हमारा और सूक्ष्म शरीर किसे कहेंगे सूक्ष्म है पवित्र शुद्ध जब हमारी बुद्धि शुद्ध है, 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 शुद है पावन है सातो सातों गुणों से भरपूर है मन हमारा शुद्ध है पावन है सातों गुणों से भरपूर है और संस्कार जब हम ऐसे संस्कार बना रहे हैं ब्राह्मणों के संस्कार बना रहे हैं ब्राह्मणों के नियम मर्यादाओं के अनुसार चल रहे हैं तो ऐसा जब हमारा बुद्धि मन और संस्कार है तो हमारा सूक्ष्म शरीर चमकीला है लाइट है वो हमारी लाइट की ड्रेस है चमकीली ड्रेस है और जब हम ऐसा हम कर रहे हैं जब हम ये आ रहे हैं हमारे अंदर शांति आ रही है पवित्रता आ रही है शांति आ रही है रूहानी प्यार आ रहा है तो हमारा शरीर चमकीला बनता जा रहा है रूहानी प्यार से भरता जा रहा है और जब ऐसा शरीर ऐसी मन बुद्धि संस्कार जब हमारी बन जाती है तो ऐसी मन बुद्धि संस्कार हमारा सूक्ष्म वतन माना बाबा की दिल दिल तख्त शिव बाबा का दिल तख्त शिव बाबा का दिल तख्त जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जब संगम शुरू होता है तो बाबा अपने दिल तख्त को ही दिल तख्त माना क्या ज्ञान बाबा के पास क्या है ज्ञान का सागर पवित्रता शांति प्रेम सुखान शक्तियों का सागर तो ऐसा एक दिल ऐसा एक स्थान बन जाता है जिसमें जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वफादार ईमानदार फरमान बरदार बच्चे हैं बाबा के दिल में जा सकते हैं और बाबा के दिल में बच्चों का आदि स्वरूप भी है स्वरूप भी है मतलब देवता स्वरूप भी है लास्ट जन्म का ब्राह्मण स्वरूप भी है और फरिश्ता स्वरूप भी है तो हम बच्चे जब फरिश्ता बन करके जाते हैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में तो अपने देवता स्वरूप को सामने देख सकते हैं तो वहां शिव ब्रह्मा बाबा बैठा है ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा बाबा कौन है ब्रह्मा बाबा वो है जिसका बुद्धि मन और संस्कार संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बन गया है तो ब्रह्मा बाबा दिल बाबा शिव बाबा के दिल में बैठा है और हम ब्रह्मा बाबा के दिल में पहुंच जाते हैं बाप दादा के दिल में पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति जब हमारी होगी तो ये ये स्थिति हमें ऐसे लगता है जब हम जाते हैं तो हम बाबा की गोद बाबा के सामने पहुंच जाते हैं तो उससे मैं लगता है बाबा मेरा है मैं बाबा का और ये स्थिति होती है अत्यंद्रय सुख की अनुभूति कि बाबा लगता है बाबा मुझे बुला रहा आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आ जाओ आओ मे मेरी गोद में आ जाओ तो ये जो स्थिति है अत्यद्रय सुख की अनुभूति और ये हमें ऐसा महसूस कराती है हम देह के भान को भूल जाते हैं हमें लगता है हमने पाना था सोच पा लिया काम क्या बाकी रहा अब संतुष्टता आ जाती है और इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति हो जाती है कोई इच्छा नहीं रहती है क्योंकि हमें बाबा मिल गया तो बाबा सचमुच मेरा है मेरा बन गया है ऐसी स्थिति को बोलते हैं ये ये जो स्थिति है और जब हम बाबा से चिपक जाते हैं बाबा हमें बुला लेता है बाबा की गोद में चले जाते हैं और वो जो फीलिंग है बाबा के लव में लीन हो जाते हैं उस समय देह का भान देह की दुनिया का भान भूल जाता आनंद माना क्या आन माना बंधन जब आत्मा देह और देह के बंधन के पार अपने को अनुभव करे उस स्थिति को बोलते आनंद तो ऐसी स्थिति जो होती है आनंद की स्थिति जो है ये जो है आनंद की स्थिति इसमें हमें ऐसी महसूसता जो होती है वो जो है ये अत सुख और आनंद की अनुभूति है एक्चुअली अश्लील स्थिति अश्लील स्थिति माना जिसमें कोई देह का भान नहीं है अच्छा यही जैसे हमारी एक फरिश्ता स्थिति भी है तो ये जब हम जितना इसका अभ्यास करते हैं ज्ञान का मनन जितना मंथन करते हुए जितना हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जा रही है शांति मन हम पास्ट और भविष्य से कटते जा रहे हैं वर्तमान में बाबा से कम्बाइंड रहते हैं सबको जैसे भी हैं बिना शर्त के स्वीकार कर लेते हैं और निरंतर अंतिम सुख की अनुभूति करते हैं आनंद की अनुभूति करते हैं बाबा से कम्बाइंड बाबा से के साथ जुड़े रहते हैं लवलीन रहते हैं बाबा की याद में हर कार्य करते भी ऐसा पॉसिबल है और तब हमें सत्य को प्रखनी शक्ति आती है तो सत्य को की शक्ति आ जाती अब सत्य क्या है मैं सारा कुछ छोड़ सकता हूं छोड़ सकती हूं कि तू बाबा को नहीं छोड़ सकती सारी दुनिया छोड़े तो छोड़े मैं बाबा को नहीं छोड़ सकता तो ये जो फीलिंग है इसको बोलते हैं अब मुझे सत्य को प्रखणी शक्ति आ गई से अब सत्य को की शक्ति आ गई मैंने सत्य माना सत्य क्या है बाबा सत्य है दुनिया असत्य है दुनिया के सुख असत्य हैं पैसा पदार्थ असत्य हैं अब हमको फील होने लगता है सब कुछ असत्य है एक बाबा सत्य है तो ये जो फिर सत्य को रखने की शक्ति आ गई सत्य निर्णय करने की शक्ति आ जाती है अब मुझे यही करना है मुझे अमृत वेला करना ही है मुझे उसके लिए तैयार होना है मुझे ये करना ही है मुरली में जाना ही है फिर अलबेलापन खत्म हो जाता है फिर इसके लिए हम विस्तार को सार में ले आते हैं पहाड़ जैसे समस्या भी हो घर में कहीं भी समस्या आ जाए उसको हम राई बना लेते हैं और समेट के मन बुद्धि को समेट के बाबा में लगा देते हैं और जितना फिर बाबा में लगा देते हैं उतना हमारे सहन करने शक्ति आ जाती है क्योंकि समस्या समाज से परिवार से दुनिया से अपने ही अपने ही आसपास के वाले लोगों से जिनसे आपका कर्मों का हिसाब किताब है तरह जन्मों का वही आपकी टांग खींचने लगते हैं आपको तंग करने लगेंगे आपको फील पर आपको फील नहीं होगा आप सहन करने सत्यता की शक्ति आ गई ना तो आप सहन करना कुछ भी नहीं लगता है सहन करने की शक्ति आ जाती है और सहन करके फिर हम उसका उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं समाने की शक्ति आ जाती है अंदर समा करके सागर में पत्थर डाला खत्म बार बार ऊपर दिखाई नहीं देता है समा लेते हैं और फिर नई प्रॉब्लम को फेस करने के सामना करने के तैयार रहते हैं और सामना करने की शक्ति से फिर जब सामना कर लेते हैं फिर सबको हेल्प भी कर पाते हैं तो ऐसे आठों शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाती हैं और जब ये आठों शक्तियाँ मेरे अंदर आती हैं अब मुझे विधेयी स्थिति का अनुभव होने लगता है तो अतन्द्रिय सुख आनंद और शक्तियाँ ये जो तीन चीजें हैं ये हैं मुझे अश्ली स्थिति का अनुभव कराती है। मैंने बताया आत्म आत्मवन स्थिति अश्ली स्थिति तो जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे उससे पवित्रता आएगी पवित्रता से शांति आएगी शांति से रूहानी प्रेम प्रेम आएगा और रूहानी प्रेम से क्या आएगी अश्ली स्थिति का अनुभव होने लगेगा देह में रहते ऐसा फील होगा जैसे देह है ही नहीं मैं आत्मा अलग हूँ देह अलग है क्योंकि बाबा के साथ अनुभव हो गया ना उस स्थिति का फिर चलते फिरते वो स्थिति का अनुभव होने लगेगा और फिर जब आठों शक्तियाँ आ जाएंगी तो हमें बार बार परम धाम की अनुभूति होगी बार बार निराकारी मैं आत्मा बिंदी परमधाम में मैं आत्मा बिंदी परम धाम में तो ये जो स्थिति है ये स्थिति है विधेयी स्थिति देह में रहते विधेयी मतलब मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ परम धाम में चलते फिरते फीलिंग आएगी तो इस तरह से अभी अभ्यास करेंगे हम जितना इस मुरली का बाबा की मुरली का या जैसे आज की मुरली ज्ञान का बारूद ज्ञान के एक बड़े बड़े गोले तो पांचों विकारों का नामो निशान खत्म हो जाएगा अंश वंश खत्म हो जाएगा और इस ज्ञान का मन चिंतन मंथन करते करते पवित्रता शांति मना पास्ट और भविष्य खत्म वर्तमान में बाबा से कम्बाइंड रूहानी प्यार में सब कुछ बिना शर्त के सबको स्वीकार कर लेना और जब ये ये है आज ये है हमारी आत्मयानी स्थिति और जैसे हम बाबा की गोद में पहुँचेंगे अत्यंद्र सुख आनंद की अनुभूति सूक्ष्म शरीर बाबा के दिल में रहेंगे बाबा मेरे दिल में रहेगा तो ये स्थिति जो है स्थिति और जब हम शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे फिर परमधाम की जो स्थिति होगी वो होगी विधेयी स्थिति तो इसका ड्रिल जैसे हमको सारा दिन करते रहना चाहिए अमृत वेला सबसे अच्छा समय है करने का फिर दिन में बार बार मुरली का जैसे ही टाइम मिले मनन चिंतन मंथन सिमरन करते हुए इन सातों एनर्जी का अभ्यास करते हुए अगर मैं मैं तो ऐसा अभ्यास करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं भी आ, मैं तो अपने अनुभव की बात शेयर कर रहा हूँ तो आप भी इस अभ्यास को करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा ओम शांत